होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार से पर्यटन के लिए बॉर्डर खोलने की मांग की है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बांबा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए ये मांग सरकार के समक्ष रखी। एसोसिएशन का कहना है कि वैश्विक महामारी के चलते होटल पिछले 6 महीने से बंद हैं, जिसके चलते होटल में कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन भी समय पर दे पाना होटलर्स के लिए अब मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार को अनलॉक 4 शुरू होने पर भी सभी बॉर्डर खोल देने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में सरकार द्वारा बॉर्डर खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी खोलने की अनुमति नहीं मिली है। अश्विनी का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार बॉर्डर्स खोल देती है तो कोरोना जांच के बाद टूरिस्ट हिमाचल आ सकेंगे, जिससे होटल्स को भी मुनाफा होगा। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन ने होटल कर्मियों को मनरेगा में शामिल करने, बॉर्डर खोलने पर बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था करने और होटल के कम ब्याज पर लोन देने की मांग की है, जिससे होटलरों का काम चल सके। आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से जितने भी इंटरस्टेट बॉर्डर ओपन हो चुके हैं वो टूरिस्ट अलाउड है। हमारे नेबरिंग स्टेट उत्तराखंड और J&K, वहाँ पर जो कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी स्टेट बॉर्डर से हो रही है। हमारी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि वो जो ई पास की व्यवस्था है उसको बंद करें, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट टूरिस्ट की हो, और जो कोविड टेस्ट है वो ट्रू नॉट टेस्ट और रैपिड टेस्ट, इसकी व्यवस्था स्टेट बॉर्डर की जाए। और वो जो व्यवस्था है जो एक प्राइवेट थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं लाइक लॉल पैथन अदर्स, उनको मोबाइल वैन से किया जाए ताकि हिमाचल के अंदर टूरिस्ट आ सके, वो पर्यटन द्वारा ठीक हो पाए। हमारा जो एक मेंटेनेंस स्टाफ था हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी, वो तो हमने मार्च महीने से ही हम उनकी सैलरी जो है वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ही टोटल रेवेन्यू नील हो चुका है, हमारे पास कैश नहीं है। हम सरकार से दे मन से निवेदन करते आ रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको नरेगा के अंतर्गत कहीं उनको रोजगार दिया जाए, और या हमें कुछ एक कैश इंसेंटिव या हमें एक कम ब्याज पर एक रकम लोन दिया जाए ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को भी दोबारा एम्प्लॉय कर पाएं और अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मेंटेन कर पाएं। देखिए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का हमें 2-3 दिन पहले नोटिफाया है कि जो भी जो होटलियर है अगर ड्यू डेट के ऊपर अपना पूरा बिजली का बिल जमा नहीं करेगा तो उसका बिजली काट दी जाएगी। तो बड़ा ही गलत अनजस्टिफाइड एक इनहोमन एक ऑर्डर है। वो जानते हैं कि हमारे होटल का पैसा नहीं है, और जो एक कम से कम जो बिजली होटल्स में सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है वो तो खर्च होनी होनी है, बजाय कि उसको एक डोमेस्टिक रेट पर करने के एक कमर्शियल रेट लगाया जा रहा है, उसके बावजूद हमें एक थ्रेट किया जा रहा है कि हम बिजली काट देंगे। तो हम तो इतना ही हाथ जोड़ के बोल सकते हैं कि ठीक है, बिजली काट दीजिए, हम तो शायद किस्तों में दे पाएंगे, हम पूरी नहीं दे पा रहे हैं।